जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और महत्वपूर्ण होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज हम जानेंगे, जैसे कि होली आ रही है, हमने जो है ये वीडियो थोड़ा सा लेट बनाई, तो आपको ये उपाय होली पर जरूर कर लेना है। क्या पितरों के लिए जो है हम पितृबंधन खोलने के लिए कौन सा ऐसा उपाय होली का करें जिससे हमारे पितरों को भी जो है हम बंधन मुक्त कर सकें। आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है, अंत तक बने रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। पितरों को दिलाना है बंधनों से मुक्ति। किसी भी प्रकार का बंधन हो, तंत्र का बंधन हो, अघोर बंधन हो, काली शक्तियों के तहत बंधन किया गया हो, या कोई भी ऐसा श्राप जो पितरों को मलिन करे बैठा हो, या आपके पितर मलिनता में हो, तो बहुत सारी समस्याएं अगर आपके साथ हो रही हैं या दिक्कतें हो रही हैं और पितरों के बारे में आपको राह नहीं मिल रही है, तो इस होली पर किया हुआ उपाय आपके लिए वरदान कार्य हो सकता है। कैसे हो सकता है ये वरदान सिद्ध, कैसे हो सकता है, इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि आपके घर में जो भी शक्ति है, अगर ये चक लगता है आपको, किसी ने तंत्र के तहत आपके घर में कोई चीज भेजी हुई है, या आपके पितर मलिनता में पड़े हैं, या आपके पितरों का आपको कोई इंडिकेटर नहीं हो, या आप पितरों के नाम का कोई भी अर्क भोजन निकालते हो तो वो पितरों तक नहीं पहुंच पा रहा है, या कोई मलिन शक्ति आपके घर की उन चीजों को खा जाती है, तो ये मौका नहीं है, ये सुअवसर मौका है आपके लिए। सुअवसर मौका है, इस समय पर किया हुआ कार्य आपको लाभ भी देगा और आपके घर के अंदर आपके पितरों को शुद्धि भी प्रदान करेगा। जैसा कि आपको पता है कि होलिका दहन होता है, होलिका दहन होता है, तो उस समय पर हमें क्या कार्य करने चाहिए, हमें कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए, जैसे कि पांच उपले ले लीजिए। उन उपलों के अंदर आपने क्या करना है, पांच उपलों के अंदर एक जनेऊ लेना है। जनेऊ लेकर आपने उस जनेऊ के अंदर सात गांठे मारनी है, सात गांठे अपने पितरों का नाम लेकर, एक। फिर दूसरा, किसी ने कोई बंधन किया हो, अज्ञात बंधन, दो। फिर तीसरा, ये गांठे जब मारनी है तो कोई भी अगर आप मंत्र का जाप करते हो, उन मंत्र का जाप कर कर ही मारनी है। जो भी मंत्र आप काफी लंबे समय से करते आ रहे हो, या कोई मंत्र का जाप कर रहे हो, अगर कोई भी मंत्र नहीं पता तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर कर आप गांठ मार सकते हो। फिर तीसरी गांठ मारनी है कुल देवी पर भी बंधन किया गया हो तब भी। उसके बाद फिर किसी भी प्रकार का कोई काली क्रिया करी हो, भयंकर क्रिया करी हो, उसका भी। फिर उसके बाद सात गांठे ऐसे कर 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 आप बांध के, उसके बाद वो पांच उपले जो हैं आपने बांध लेने कलावे के साथ, उसमें वो जनेऊ के साथ, ये जनेऊ के साथ आपने तैयार कर लिए। तैयार करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि तंत्र की शक्ति या किसी मंत्र के तहत आपके पितर पर बंधन किया गया हो तो उसको खोलने के लिए शमी की सात लकड़ी आपको साथ में रखनी है, शमी के साथ रखनी, और पांच पतासे, पांच ही मोटी इलायची। ये सामान जो है नोट कर लीजिए, चाहे होली पे कार्य कर रहे हो या होली के बाद कर रहे हो, शनिवार को शनिवार के दिन, या कहीं भी, अब मान लो कहीं भी कर रहे हो आप, मान लो होली के बाद, कभी भी, कोई जरूरी नहीं है कि हर शनिवार के दिन ही ये कार्य कभी भी करना कर है, सकते कभी हैं। भी कर सकते हो आप। उसके बाद आपने ये कार्य कर रहे हो तो ये कार्य करते वक्त अपने पूरे परिवार के ऊपर से वार कर, पूरे ये सारा परिवार सामान के सारे सारे सामान को वार कर। होली दहन में दोपहर का मिलन में डालना है। दोपहर का मिलन कब, जब आसमान में राहु हो और शनि का आगमन हो रहा हो, जब दिन छिपे, जब दोनों समय सूर्य का अस्त हो जाए, तब आपने होली का दहन के अंदर ये चीज डाल देनी है। और उस समय आपको जब ये आप दहन करोगे तो एक दूध, जैसे कि कच्चे दूध होते हैं ना, कच्चा दूध, कच्चा दूध से अपने हाथ से थोड़ा सा जल लेकर भी आपने होलिका दहन में डाल देना है, कच्चे दूध की लस्सी का जल बनाकर। बड़े से बड़ा पितृ बंधन किया गया हो, किसी भी प्रकार का बंधन किया गया हो, उसी क्षण जो है स्तंभित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
और उसके बाद जिस मंत्र का जाप से आपने वचन किए थे उस मंत्र का जाप आपको अपने जीवन में कभी मत छोड़ना। अब ये कार्य करने के बाद आपको इतना लाभ प्राप्त होगा, आप खुद कहोगे कि वाकई में ही जीवन बदल गया। और उसके बाद अगर होली के बाद अगर ये कोई वीडियो देख रहा है तो उसके बाद ये जो सामान है पीपल पर रख के आना है, पीपल के नीचे, हाँ पीपल के नीचे रख के आना है ये सामान, ये तीन शनिवार रखने हैं। तो यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि कई कई बार लोग कह देते हैं कि हम जो है एकांत में पीपल हो या सार मतलब सेपरेट अलग जगह पे कई बार पीपल होते हैं या फिर मंदिर के पीपल मंदिर में करना का है। सेपरेट वाले में मत जाना, वहां तो ब्रह्म राक्षस लग जाएगा, समझ गए? तो मंदिर वहां पूजनीय पर पीपल, हाँ पूजनीय है, कच्चे दूध की लस्सी भी वहां चढ़ा के आने गढ़वी के साथ। ठीक है, तीन शनिवार, तीन शनिवार ये कार्य करना है। फिर अगर आप कभी भी होली के पार्ट टाइम ना कर पाए तो होली के बाद, होली के बाद भी इसका प्रकोप रहता है सवा महीने तक, क्योंकि ऋतु परिवर्तन का समय हुआ है ना, तो ऋतु परिवर्तन का जो समय है जैसे होली के 15 दिन पहले, फिर अष्टमी से उसका होलास्ट स्टार्ट हो जाता है, तो उसी प्रकार से 15 दिन बाद तक का भी प्रभाव पूरा रहता है। तो इसका लाभ आप जब भी उठा सकते हो, और मंत्र का जाप जो है आप फिर मंदिर में बैठकर जप सकते हो, अपने घर में जप सकते हो, और ये कह सकते हो कि जो भी मंत्र का जाप मैं कर रहा हूँ उससे मेरे पितरों को बल प्राप्त हो, उससे मेरे पितरों को शक्ति प्राप्त हो। अगर पितृ शक्ति आपके शाली होंगे और आपके पितरों को शक्ति प्राप्त होगी तो आपको बुद्धि और विवेक भी प्राप्त होगा, आपका अपने आप ही दिमाग कार्य करेगा, बिजनेस में, काम में, धंधे में आपके रुके हुए कार्य अपने आप बनने लग जाएंगे, परिवार से कष्ट से मुक्त होने लग जाएगा, परिवार को नई दिशा प्राप्त होगी, नया रास्ता प्राप्त होगा, और ऐसे ऐसे जैकपॉट अवसर आपको आएंगे जो आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। लेकिन कुछ ऐसे बंधन किए हुए होते हैं, तो इस समय पे जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि समय जो है बहुत ज़्यादा बलशाली होता है, समय ने हर किसी को बदला है, जब कोई कोई छोटा था तो वो बड़ा भी हुआ है, समय के साथ साथ चेहरे पर झुर्रियाँ भी आती हैं, समय के साथ साथ चेहरे पर बुढ़ापा भी आता है। इसी प्रकार से जब आपने इस समय को जान लिया, इस काल चक्र को जान लिया, इस काल चक्र के समय पर आपने इस कार्य को कर दिया तो समझ लीजिए आपको लाभ प्रदान होगा ही होगा। इस समय पर किया हुआ कार्य है आपको फल प्राप्त देगा। क्यों देगा? क्योंकि उस दिन अधर्म की पराजय और धर्म की विजय है। जब जब धर्म विजय करता है तो भगवान की कृपा के अनुसार ही करता है। आपने देखा होगा महाभारत के युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण जो है धर्म के पक्ष में रहकर लड़े थे। इसी प्रकार आपने कोई पाप नहीं किया, आपके पितरों पर बंधन किया गया, परिवार के ऊपर तंत्र किया गया, और उस तहत आप ये जो क्रिया कर रहे हो तो भगवान आपका साथ जरूर देंगे, क्योंकि भगवान हमेशा धर्म का साथ देते हैं, अधर्मियों का नहीं देते। तो उस धर्म के देवता को, अपने इष्ट देवता को आगे कर कर ये कार्य कीजिए, आपकी विजय ही जरूर होगी और हर रास्ते भी आपके खुलेंगे। पितर पर बंधन किया, पर कोई काफी पुराना बंधन किया गया होगा या कुछ भी, या कोई प्रेत आपकी पूजा को खा रहा होगा पितर की आड़ लेकर, तो वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन ये पूरे परिवार के ऊपर से वार कर करना है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। मैं एक क्वेश्चन और आपसे और पूछ लेता हूं इसी वीडियो के अंदर कि होलिका दहन में, होलिका दहन में जो होली का बैठी थी वो किसको लेकर बैठी थी अपनी गोद में?